दोस्तों टैली के इस प्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम जानने वाले हैं टैक्स स्लैब्स के बारे में। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी क्या है और जीएसटी के जो टाइप होते हैं SGST, CGST, IGST और UTGST उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को जरूर देखिए। अब उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बोला था कि जीएसटी में इंपॉर्टेंट टर्म ये आती है कि किस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट लगेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उस पर 5% लग रहा है, कोई प्रोडक्ट है उस पर 12% है, कोई प्रोडक्ट है 18% और कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे 28%। तो अब हमें कैसे पता चलेगा या फिर हम कैसे डिफाइन करें कि किन किन प्रोडक्ट पे जीरो है, किन प्रोडक्ट पे 5%, किन प्रोडक्ट पे जो है 12%, किन प्रोडक्ट पे 18% और किन प्रोडक्ट पे 28%। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 0% टैक्स स्लैब की, कि किन प्रोडक्ट पे 0% लगता है। देखो इसका सिंपल डेफिनेशन ये कहा जाता है कि वो चीजें जो हम डेली लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ वेजिटेबल्स की, मिल्क हो गया, बटर हो गया, या फिर जो कर्ड हो गया, दही, नेचुरल हनी, फ्लोर या बेसन, ब्रेड, मतलब वो चीजें जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो उस पर हमारा क्या है, कोई भी टैक्स नहीं है। मतलब अगर आप दूध लेते हो तो उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आप दही ले रहे हो, बटर ले रहे हो, या फिर इसी तरीके से कोई अनाज हो गया, फ्रेश मीट हो गया, अंडे हो गए, बिंदी सिंदूर वगैरह ये चीजें हो गई, तो इन सब चीजों पे क्या है, सिर्फ 0% टैक्स है, मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं है। अब यहाँ पे सारी चीज को तो मैं वन बाय वन डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए स्क्रीन पे मैंने इन्हें मेंशन कर दिया है। तो मैक्सिमम चीजें, हर एक चीज नहीं बट मैक्सिमम चीजें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और आप इनमें से एज अ रिमाइंडर इन्हें याद रख सकते हैं। अब अगला टर्म आता है 5%, कि किन चीजों पे 5% टैक्स लगता है। देखो 5% टैक्स में वो चीजें ली गई हैं या फिर वो कैटेगरीज हैं जो कि हमारे डेली लाइफ से थोड़ा अपर लेवल है। जैसे अगर मैं दूध की बात करूं तो वो डेली लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अगर मैं पनीर की बात करूं तो वो डेली लाइफ का हिस्सा नहीं है, आप उसे ओकेशनल बिहाफ पे यूज करते हो। या फिर मैं ये भी बोलूं कि वो जो दूध है वो नॉर्मल है, लेकिन पनीर बनाने के लिए हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ रहा है, यानी एफर्ट हमारा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो जैसे कि आपका जो फूड आइटम है नॉर्मल है तो कोई टैक्स नहीं था, लेकिन जब उसे पैकेज में करके, पैकेट में पैक वैक करके इस तरीके से आपको एक मतलब ब्रांड के रूप में आपको दिया जाता है, तो वो समझ लीजिए पैकेज फूड आइटम है, उस पर 5% है। जो क्रीम हो गई, 5%, कई चीजें बनाने में हम क्रीम का यूज करते हैं। या फिर मैं बोलूं कि जो मिल्क पाउडर्स आते हैं, अब देखो नॉर्मल मिल्क है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अब आप उसे क्या है, एक ब्रांड में चेंज कर रहे हो, जैसे कि आपका क्या है कि एक पाउडर हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, या फिर यहाँ पे ब्रांडेड पनीर हो गया, फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गया, कॉफी, टी, स्पाइसेस, या फिर और भी इसी तरीके से बादाम वगैरह, आइसक्रीम, बर्फ, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके आ जाती है 5% की कैटेगरी में। और साथ ही यहाँ पे एक चीज और है कि वो जो जूते होते हैं नॉर्मल जो जूते हो गए, जिनकी कीमत लगभग 500 रुपए से कम है, और या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनकी कीमत 1000 रुपए से कम है, उन्हें भी 5% की कैटेगरी में लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं 12% टैक्स के। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि 0% था, कोई भी वहां पे मॉडिफिकेशन नहीं था, उससे मॉडिफाई हुआ, नेक्स्ट लेवल पे आ गए। अब वही जो 5% की चीज है अब उसे नेक्स्ट लेवल पे मारे, जैसे मान लो कि फ्रोजन मीट हो गया, बटर हो गया, चीज, घी, अभी आपने मिल्क का देखा कि मिल्क से हम मॉडिफाई करके पनीर बना रहे हैं 5% तक है, अब वही मिल्क को हम मॉडिफाई करके बटर बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, या फिर और भी चीजें हो गई, तो वो सारी चीजें किस कैटेगरी में आ गई, यहाँ पे 12% की कैटेगरी में। इसी तरीके से आप कहीं पे गेम्स खेलने जा रहे हो, जैसे कि इंडोर गेम्स हो गए, कहीं पे आप चेस खेलने जा रहे हो, या फिर नॉर्मली मान लीजिए स्नूकर खेलने जा रहे हो, तो वहां पे भी अगर गेम वेम पे टैक्स लग रहा है तो समझ लीजिए वहां टैक्स कितना होगा, 12% का। इसी तरीके से जो आपके बिजनेस क्लास ए टिकट होती है या फिर लॉटरी की टिकट्स होती है, उन पे भी जो टैक्स है वो कितना है, 12% का। इसी तरीके से मैंने काफी चीजें मेंशन कर दी है, आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके या फिर बाद में ही उसे नोट डाउन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मेन्यू आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब 12% से नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा, 18%। देखो यहाँ पे टैक्स में कहीं पे क्या है कि 2.5% भी है कुछ कुछ चीजों पे, बहुत ही रेयर जगह पे, लेकिन जो मेनली है वो हमारे पांच ही टैक्स है। एक है 0% जो कि निल है, उसके बाद है 5%, फिर है हमारा 12%, फिर 18% और फिर 28%। तो यहाँ पे 18% की हम बात करते हैं, तो 18% में जैसे आपको IT सर्विसेज मिलती है या फिर ब्रांडेड गारमेंट्स हो गया, जैसे कि मान लो कि आप शॉप स्टॉप में जा रहे हो या उस तरीके से कोई ब्रांडेड गारमेंट हो गया, या फिर कोई फाइनेंशियल सर्विस हो गई, तो वो सारी चीजें जो ली गई है वो 18% की जीएसटी में। इसी के साथ जैसे पास्ता हो गया, कुछ ब्रांडेड बिस्किट्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, पेस्ट्रीज, केक्स,
या फिर इसी की तरह मॉनिटर, स्पीकर, कैमरा, प्रिंटर या जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, ज्यादातर मैं बताऊं जो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं या फिर नॉर्मल जो ज्यादातर बिजनेस की चीजें होती है, उनमें ज्यादातर आपको 18% टैक्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आप एल्यूमिनियम वगैरह का बिजनेस ले लो, स्टील का बिजनेस ले लो, तो उन सभी जगह पे हमारा क्या लग रहा है, 18% टैक्स। इनफैक्ट अगर टेलीकॉम सर्विस भी है तो वहां टैक्स कितना है, 18% का। अब लास्ट हमारा है 28%। तो 28% जो सबसे लग्जरी चीज है, जैसे कि मैं अगर कार्स की बात करूं, बाइक हो गया, कार हो गया, या फिर अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि वाइन्स, दारू, समझ जाओ आप, तो वहां पे जो हमारा टैक्स है वो कितना है, 28% का। साथ ही जो रेस क्लब बैटिंग्स होती है, जो रेसेस होते हैं और वहां बैटिंग करते हैं, या फिर प्राइवेट कोई लॉटरी है, मूवी टिकट्स है, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो समझ जाओ वहां पे टैक्स कितना है, 28%। और वो भी उस मूवी टिकट का जिसकी जो कीमत है वो 100 रुपए से ज्यादा हो। यार कॉमन सी बात है, आज के टाइम में आप पीवीआर में चले जाओ कहीं पे भी, 100 रुपए से कम टिकट कहाँ है। तो बेसिकली तो जिनकी टिकट 100 रुपए से ज्यादा है उन पे 28% का जीएसटी लगेगा। इसी तरीके से कुछ जो आपके हेयर के हेयर शैम्पूज हो गए, सनस्क्रीन्स हो गए, या फिर पेंट, डिश वाटर, इसी तरीके से जो कुछ लग्जरी चीजें हैं उन पे हमारा कितना टैक्स है, 28%। तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो में कोई बहुत ज्यादा लंबाई से खींचने की जरूरत है। आई होप कि ये जो 5 हमारे टैक्स लैब्स है उनमें क्या क्या कैटेगरीज हैं और किस बिहाफ पर हैं, वो चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।